जहां रसोई गैस के दामों में हुई वृद्धि पर रायपुर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में 6 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, लेकिन एक साथ 150 रूपये पहली बार बढ़ा है। बीजेपी को लगता है कि अभी कोई चुनाव नजदीक नहीं है, बिहार का चुनाव 2021 में आएगा और उससे पहले दाम फिर से कम कर देंगे। बढ़ती महंगाई से महिलाओं का घर चलाना मुश्किल है और उनका बजट फेल हो गया है। अन्य प्रदेशों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी बचत है, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी हुई, 2500 रूपये प्रति क्विंटल धान खरीदी हुई, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बुरी हालत है। देश में पैसा भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। 150 रुपया, वैसे तो पिछले 6 महीने में 6 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, लेकिन 150 तो ये बम्पर इंक्रीज ये पहली बार हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि कोई न कोई बहाना बना के अब उन्हें लगता है कि अभी नज़दीक कोई चुनाव नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा 2021 में, तो उससे पहले दाम कम कर देंगे।